उदयपुर राजस्थान की कला का सबसे बड़ा केंद्र है। तो आइए देखते हैं उदयपुर की वे मशहूर जगह जहां पर आप आज भी राजस्थान के आर्ट और कल्चर को करीब से देख सकते हैं। चल्ले ओए, मेरा नाम है रुबिर और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चल्ले ओए, जहां मैं अपने ट्रैवल लॉग्स को 4K रेजोल्यूशंस में दिखाता हूं। ये व्लॉग मेरी उदयपुर सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें मैं उदयपुर में उन जगहों को खोजूंगा जहां मैं राजस्थानी कल्चर को करीब से एक्सप्लोर कर सकूं। मेरा स्टे गोस्ट ऑफ उदयपुर में रहा, जहां के लाइवली हॉस्टल कल्चर का मैंने खूब मजा लिया। वहां मुझे एक बहुत ही टैलेंटेड इंटरनेशनल म्यूजिशियन मिच मिला, जिसने हम सभी के लिए फ्री में मैजिक शो ऑर्गेनाइज किया। प्रहलाद जी, हमें कहां पर भेज रहे हैं? हरियाली अमावस्या के मेले में। बिल्कुल, और ये क्यों मनाया जाता है वो आप गूगल कीजिए, पता चलेगा पूरा। ये मेला पूरा राजस्थान में फेमस है, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम सावन इन इंडिया। सो यस, लेट्स गो, चलने होए। हरियाली अमावस्या मेला फतेह सागर लेक के चारों ओर मनाया जाता है। ये मेला इस रीजन में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला है, जिसमें दूर दूर से लोग इस मेले की रौनक को देखने के लिए आते हैं। हालांकि ये फेस्टिवल लूनर कैलेंडर बेस्ड है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु में मनाया जाता है, पर इस मेले में राजस्थानी लोकल क्राउड ज्यादा देखने को मिलेगा। So, Pralad ji has given us a venue, and now we are here with a bunch of friends. So, she is Ankita, Gaurav, and Krishnanch. So, they are from Rajasthan only, but they came specifically to this place to actually see ye mela kaisa hota hai. Chale hoye! मेले में जाओ और बच्चों की तरह मजा ना करो। ये क्या बात, यम यमी यार। उदयपुर आके हम मम्मी वाली पाव भाजी खा रहे। हम चारों ने भी मिलकर अपने दिल के बच्चों को खूब खुश किया। इस मेले में जैसे कुम्पारी खरीदना इज अ ट्रेडिशन, सच में पूरी लेक बस कुम्पारी की आवाज से गूंज रही थी। इतने सालों के बाद किसी मेले में जाकर मजा आ गया। सच में ये सावन ब्लिसफुल था। नमस्कार, आप 50 किलो हैं। आप गरीबों का साथ देते हैं और प्यार में झुक जाते हैं। नमस्कार। I'm here to see a cultural show, a dance show actually, which is organized in Bagore ki haveli. This show is going to be awesome. So let's go check out challe hoye. Dharohar folk dance Mr. Deepak Dikshit dwara socha aur West Zone Culture Center ke sath organize kiya hua show hai, jo ki Rajasthan ke bahut prakar ke folk dances ko ek sath ek hi chhat ke niche lata hai. इस शो को इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों बहुत ही चाव से ट्रेडिशनल स्टाइल में जमीन पर बैठकर देखते हैं, पर कुछ वीआईपी सीट्स भी अवेलेबल हैं। पर जो मजा परफॉर्मेंसेस को नीचे बैठकर बिल्कुल नजदीक से देखने में है, वो आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। हालांकि शो की टाइमिंग्स हर रोज शाम को 7 से 8 बजे है, बट शो की टिकट 6:15 बजे वेन्यू पर ही मिलनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको लंबी लाइन से बचने के लिए कम से कम 1 घंटा पहले आना होगा। मुझे भी टिकट्स दूसरे दिन जाकर मिली। शो शुरू होने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता और एक के बाद एक जबरदस्त प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस आती जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि 1 घंटा कब खत्म हो गया। परफॉर्मर्स की कलरफुल ड्रेसेस, मेकअप, ऑथेंटिक और प्रोफेशनल डांस मूव्स आपको सच में मंत्रमुग्ध कर देंगे।
इस शो में बच्चों से लेकर बूढ़े सभी एज ग्रुप्स का एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है। शो के बीच में एक छोटा सा कठपुतली का डांस भी दिखाया जाता है जो बच्चों से ज्यादा बड़े एंजॉय करते हैं। सच में ये डांस शो उदयपुर की शाम को बिताने का एक बेहतरीन तरीका है। Running short of time and you want to see the real authentic Rajasthani culture, then this is the place. This place is called as Shilpgram. Most of the artists, they come from Rajasthan. Government pay them something for their show here. They present a real authentic Rajasthani cultural dance and musical show. So let's see, chalne hoye. Ticket khareedne ke baad mein show shuru hone mein kafi time bacha tha. तो मैं शिल्पग्राम के क्राफ्ट विलेज को देखता हुआ पहुंचा बैक स्टेज, जहां आर्टिस्ट और उनकी कला को थोड़ा और गहराई से मैंने जानने की कोशिश की। मेरा नाम बुंदू खान, यहां मैं शिल्पग्राम के लिए भाग लेने के लिए आया 15 दिन, 1 से 15 तक। 8 वर्ष से लगा, 7 वर्ष तक हमारी कला ये चलती है। ये हमारा परंपरा करते हैं। हम क्या हमारे दाल रोटी ये जी हमारी कला में बीजू दूसरी कोई मजदूरी नहीं करता, नहीं हम खेती नहीं करता, हम कुछ भी नहीं करता, हमारे ये कला में टाइम पास। बाहर भी घूम के आए, पेरिस, लंदन, इटली, हर देश में, अब पूर्व में इंडिया में घूम गए। यहाँ जितने भी कलाकार मिलेंगे सारे रियल ऑथेंटिक आर्टिस्ट से अलग अलग गांव से यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बुलाए जाते हैं। इन सभी का शेड्यूल है, ये सभी कलाकार लोग आते हैं 15-15 दिन के लिए, कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनकी एक रियल लाइफ है, रियल गांव है, रियल फैमिली है। 15 दिन के बाद में ये लोग चले जाएंगे, फिर 15 दिन के बाद में दूसरे कलाकार आएंगे। शिल्पग्राम 70 एकड़ में फैला रीजनल ग्रामीण कला और शिल्प केंद्र है, जो कि ग्रामीण और शहरी कलाकारों को एक मंच पर लाकर कला और शिल्प का विकास कर रहा है। यहाँ कलाकारों और शिल्पकारों को राजस्थान से ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बिल्कुल ग्रामीण इलाकों से बुलाया जाता है, जिससे वे अपनी कला को सही मंच देकर आगे बढ़ा सकें। यहाँ आए कुछ आर्टिस्ट विश्व में ना जाने कितनी जगह से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्रेडर डांस को देखकर तो सब जोश से भर गए। इस डांस को रबी की फसल की खुशी में सुबह से रात तक पुरुष और महिलाओं के द्वारा साथ में मिलकर किया जाता है। अच्छे ग्रुप की परफॉर्मेंस के बाद लास्ट में कालबेलिया नृत्य ने शो की एंडिंग में 4 चांद लगा दिए। सच में सिर्फ 30 रुपये में इतना ऑथेंटिक फोक डांस शो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक बात और, शिल्पग्राम में दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में कल्चरल फेस्ट को देखना मत भूलिएगा, जब इसकी खूबसूरती पूरे चरम पर होती है। So
I'm going to start my day with a thing which I loved during my childhood and even today also. So I am at Bhartiya Lok Kala Mandal. This is National Puppet Museum. Yes, I'm here to see a puppet show. So without wasting any time, let's see the most beautiful puppet show you can see in Udaipur. Challe hoy! चेतक सर्कल के पास 1952 में स्थापित भारतीय लोक कला मंडल एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की लोक कलाओं, संस्कृति, गीतों और त्योहारों का अध्ययन और इनका प्रचार करने में लगा हुआ है। संस्था के संग्रहालय में राजस्थान के ग्रामीण कपड़े, गहने, कठपुतलियों के अलावा देश विदेश की अजब गजब कठपुतलियों का काफी बड़ा डिस्प्ले है। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए शहर में, ढूंढने कुछ नया मेरे साथ। चल ले ओए। Chal le hoy.